हेलो और स्वागत है। बारिश का मौसम आ चुका है और ऐसे मौसम में मैं खाना चाहूंगी कुछ गर्म और तीखा। तो आज की स्पाइस बॉक्स में मैं आपको दिखाऊंगी कैसे बनाते हैं इंडो चाइनीज स्टाइल जिंजर कैप्सिकम फ्राइड राइस। मैं लेने वाली हूँ अदरक, लहसुन, कैप्सिकम कुछ सॉसेस के साथ मुख्य इंग्रेडिएंट्स के तौर पे चावल के साथ। आइए शुरू करते हैं। जो सामग्री चाहिए जिंजर कैप्सिकम फ्राइड राइस के लिए वो है, मैं ले रही हूँ 2 कप चावल, 1 कप प्याज और 1 कप कैप्सिकम, 2 चम्मच चिली सॉस, 2 चम्मच सोया सॉस, 1/2 कप हरा भाग और सफेद भाग हरे प्याज का, 1 चम्मच घी, 1 चम्मच तेल, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 2 चम्मच लहसुन और अदरक। शुरू करती हूँ तेल को गर्म करने से। सबसे पहले डाल रही हूँ लहसुन। अदरक दोनों को अच्छे से कसा हुआ है। थोड़ा सा हरे प्याज का हरा भाग और सफेद भाग मैं थोड़े से बचा रही हूं गार्निशिंग के लिए। हरी मिर्च, भून लेंगे अच्छे से। अब डालूंगी प्याज। भून लेंगे 2 मिनटों के लिए जब तक कि प्याज हो जाए गोल्डन ब्राउन। ये सब हम पका रहे हैं तेज आंच पर। अब मैं इसमें डालूंगी कटे हुए कैप्सिकम। भून लूंगी इसे 2 से 3 मिनटों के लिए। अब डालूंगी थोड़ा नमक। मिला लूंगी अच्छे से। अब डालूंगी घी या क्लेरिफाइड बटर। अब डालूंगी सारे सॉसेस, सोया सॉस, चिली सॉस, मेरा सारा किचन महक रहा है जैसे चाइनीज रेस्टोरेंट। अब डालूंगी चावल। जिंजर कैप्सिकम फ्राइड राइस अब तैयार है। मैं गैस को ऑफ कर दूंगी और निकाल लूंगी इसे सर्विंग बोल में। इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है इसे खाने का वेट नहीं कर सकती। इसे गार्निश कर रही हूं थोड़े हरे प्याज के साथ। सर्व करिए इसे टमेटो केचप या चिली सॉस के साथ। मैं आपके सामने इसे चख रही हूं। वाओ, बाकी खाने का इंतजार नहीं कर सकती। मुझे यकीन है आप इसे जरूर बनाइएगा और सर्व करिएगा गर्मा गर्म।